वेलकम टू सरकारी जॉब खबर। हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। जो स्टूडेंट आईटीआई 2020 का एग्ज़ाम दिए थे तथा काउंसलिंग करवाए थे, उसका जो है अलॉटमेंट ऑर्डर जारी कर दिया गया है। तो वन बाय वन सारी जानकारी देंगे आपको कि अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड कैसे करना है तथा नामांकन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना है तथा अपग्रेड करना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। तथा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाउनलोड करने का लिंक दे दिए, वहाँ से जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो मंत तक। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, उसमें टाइप करना है bcecebord.bih.gov.in। जैसे ही आप ये टाइप कीजिएगा इस, तो आपको इस मेन साइट पे आ जाइएगा, BCEC की मेन साइट पे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो इस पे जैसे ही आइएगा तो थोड़ा सा यहाँ देखिए, थोड़ा सा जो नीचे कीजिएगा तो यहाँ फर्स्ट में दिया हुआ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे में फर्स्ट में दिया हुआ है डाउनलोड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर ऑफ ITI कैट 2020 फर्स्ट राउंड। तो चलिए देखिए, थोड़ा आपको जूम करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे दिए हुआ है, इस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। देखिए इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा तो आप जैसे ही इसमें नीचे आइएगा, नीचे आने पर देखिए फर्स्ट में ही यहाँ दिया हुआ है कि यहाँ पर फर्स्ट में दिया हुआ है कि डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर ऑफ ITI कैट 2020 फर्स्ट राउंड का जो है ITI का अलॉटमेंट ऑर्डर जारी कर दिया गया है। तो उस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद जो है कुछ इस तरह का खुल के आएगा। थोड़ा सर्वर में देखिए, थोड़ा सर्वर बिजी चल रहा है इसीलिए इस तरह का बता रहा है। देखिए यहाँ पर खुल गया है, तो इस तरह का खुल के आएगा। इसमें आपको जो है मांगेगा कि स्ट्रीम आपको देना है, कौन क्या चीज़ के लिए आप जो अथी कर रहे हैं। तो इसमें ITI एडमिशन काउंसलिंग चूज कीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर रोल नंबर दीजिएगा, क्या दीजिएगा, रोल नंबर जो आप दीजिएगा एडमिट कार्ड में दिया हुआ था। और इसमें जो है पासवर्ड देना है, कौन सा पासवर्ड देना है। आप जो है काउंसलिंग कराए थे उस समय जो पासवर्ड आपको बना के दिया गया था साइबर कैफे वाले के द्वारा, वो पासवर्ड इसमें दीजिएगा। उसके बाद जो है आप ये जो है सिक्योरिटी कोड यहाँ दिया हुआ है, ये कोड दीजिएगा। कोड देने के बाद जो है साइनिंग पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। देखिए इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। और इसमें देखिए यहाँ पे थोड़ा जो फ्रेश नहीं पता चल रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सीट अलॉटमेंट लिखा हुआ है। सीट अलॉटमेंट पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको कहेगा कि क्या आप अपग्रेड करना चाहते हैं। तो आप जो है यहाँ से अपग्रेड करने के लिए पूछेगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको जो है सीट अलॉटमेंट रिजल्ट इस पर क्लिक करना है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपको जो है कौन सा ट्रेड मिला है तथा जो है कितने नंबर का ट्रेड मिला है। अगर आप देख लीजिएगा आप काउंसलिंग किए थे उसमें उस डॉक्यूमेंट में कि आपको जो उससे ऊपर जो है उससे अच्छा ब्रांच है तो अपग्रेड के लिए यस कर दीजिएगा। अगर आप यस नहीं करते हैं तो आप अगर नो कर देते हैं तो नो करने के बाद जो आपको वही ट्रेड रह जाएगा। और अगर आप यस करते हैं तो यस करने के बाद जो है आपको उससे ऊपर वाला जो है इससे ऊपर वाला जो ट्रेड आप भरे हुए हैं काउंसलिंग समय वो आपको मिल जाएगा। देखिए जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा आप इस पर, तो आपको जो है कुछ इस तरह का जो आपके पास जो है खुल के आएगा। किस तरह का खुल के आएगा, इस तरह के आपके पास खुल के आएगा। वहाँ बताया है कि राउंड फर्स्ट राउंड चॉइस नंबर बताएगा, उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम बताएगा, उसके बाद जो है आपको कौन सा ट्रेड मिला वो बताएगा, आपको किस कैटेगरी से मिला वो बताएगा। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको अच्छा ट्रेड है तो नो कर दीजिएगा, अगर अच्छा ट्रेड नहीं मिला हुआ है तो आप जो है ऑटो अपग्रेशन जो है इस पर जो है क्या कीजिएगा, यस कीजिएगा। यस जैसे ही कीजिएगा तो आपको यस करने के बाद भी आपको जो है एक जो है प्रिंट मिलेगा, और उस अलॉटमेंट ऑर्डर का प्रिंट मिलेगा जिसको आप जो है दिए गए सेंटर पर जाकर आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है आपको फिर सेकेंड अलॉटमेंट जब दिया जाएगा तो फिर आपको जो है चेक करना है कि आपको जो है कौन सा ट्रेड मिला है। और वहाँ पर अगर आपका चेंज हुआ है तो
ठीक है, अगर नहीं भी चेंज हुआ है तो उसी कॉलेज में फिर से दोबारा जाके आपको जो है एडमिशन करवाना है। तो अब रहा बात की एडमिशन के लिए कौन कौन सा जो है डॉक्यूमेंट लेके जाना है, तो चलिए देखते हैं एडमिशन के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो चलिए देख लेते एडमिशन के लिए जो आपको क्या क्या चीज़ डॉक्यूमेंट लेके जाना है। देखिए एडमिशन के लिए आपको क्या क्या चीज़ डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कॉपी ऑफ आधार कार्ड, आधार कार्ड का फोटो कॉपी लेके जाना है, सिक्स फोटो में 6 फोटो लेके जाना है। तो आप बोलिएगा फ़ोटो कौन सा ले जाना है, तो फोटो जो आप एडमिट कार्ड में आपके पास दिए हुआ है वही फ़ोटो सेम बाय सेम फ़ोटो लेके जाना, नाम और डेट वाला दिए हैं तो नाम और डेट वाला, अगर बिना नाम और डेट वाला दिए हैं तो बिना नाम और डेट वाला वही आपको लेके जाना है। उसके बाद जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड, ओरिजिनल एडमिट कार्ड कौन सा ले जाना है, ITI का एडमिट कार्ड ले जाना है। कौन सा एडमिट कार्ड ले जाना है, तो ITI का जो है आपको एडमिट कार्ड ले जाना है, ओरिजिनल एडमिट कार्ड ले जाना है। उसके बाद जो है आपको क्या ले जाना है, तो रैंक कार्ड, आपको जिसमें UR का रैंक और कैटेगरी का रैंक दिखाया हुआ था वो रैंक कार्ड लेके जाना है। उसके बाद जो है आपको क्या ले जाना है, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग करने उपरांत चॉइस स्लिप लेके जाना, आपको क्या ले जाना है, ऑनलाइन जिस समय हम काउंसलिंग किए थे उसका जो आपको प्रिंट आउट मिला था वो प्रिंट आउट जो आपको लेके जाना है। उसके बाद आपको क्या ले जाना है, तो उसके बाद जो आपको क्या ले जाना है, उसके बाद जो आपको डाउनलोड प्रिंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आप जिस समय में फॉर्म भरे थे जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी फॉर्म भराया गया था वो दोनों लेके जाना है। क्या क्या लेके जाना है, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों फॉर्म लेके जाना है। उसके बाद जो आपको क्या ले जाना है, तो डाउनलोड किए गए प्रोविजनल अलॉटमेंट जो आप डाउनलोड किए हैं, अलॉटमेंट डाउनलोड किए हैं उसका जो है 3 प्रति ले जाना है, 3 प्रति ले जाना है। उसके बाद जो आपको वेरिफिकेशन स्लिप, जिसको जो है बायोमेट्रिक जो है वेरिफिकेशन होगा, बायोमेट्रिक फॉर्म जो है उस पर दिया हुआ है साइट पे, वो लेके जाना है। इतना सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। उसके बाद क्या ले जाना है, तो उसके बाद जो आपको देखिए उसके बाद आपको क्या क्या चीज़ लेना है, मैट्रिक या समकक्ष के प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड ले जाना है, टेंथ का जो आपको क्या ले जाना है, एडमिट कार्ड ले जाना है, मार्कशीट ले जाना है, प्रोविजनल या मूल लेके जाना है। उसके बाद जो है आपको जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है, आवासीय प्रमाण पत्र लेके जाना है। उसके बाद जो है करेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना। इतना सारा डॉक्यूमेंट ले जाने के बाद आपको जो है, या अगर आप टेंथ किए हैं तो SLC लेके जाना है, अगर आप इंटर किए हैं तो CLC लेके जाना है एडमिशन के समय। उसके बाद आपके अलॉटमेंट जब आप डाउनलोड कीजिएगा अलॉटमेंट में आपको रिपोर्टिंग सेंटर लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, रिपोर्टिंग सेंटर लिखा हुआ रहेगा, तथा रिपोर्टिंग डेट भी लिखा रहेगा, रिपोर्टिंग सेंटर तथा रिपोर्टिंग डेट भी आपको लिखा हुआ रहेगा। और उसके बाद जो है इस नीचे में लिखा हुआ रहेगा कि आपको जो है एडमिशन के समय आपको फ़ी जो लिया जाएगा वह फ़ी जो है आपको डिमांड ड्राफ्ट से लिया जाएगा। तो डिमांड ड्राफ्ट आप बोलिए किसके नाम से बनाना है, तो आपको डिमांड अलॉटमेंट ऑर्डर में लिखा रहेगा अलॉटमेंट ऑर्डर में कि डिमांड ड्राफ्ट जो है आपको जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज के प्रिंसिपल के नाम से बनाना है, किसके नाम से, प्रिंसिपल के नाम से बनाना है। तो आपको जो है उसमें लिखा हुआ रहेगा कि ITI मधुबनी, ITI सुपौल, ITI पटना, इसके प्रिंसिपल ITI मधुबनी, प्रिंसिपल ITI पटना, प्रिंसिपल ITI प्रिंसिपल ITI दरभंगा, ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा। तो आप जो है देख लीजिएगा कौन सा ITI के कौन हैं और उसके नाम से डिमांड ड्राफ्ट बना लीजिएगा। 1080 का लगेगा, किसको 1080 लगेगा, 1080 में आपको जो है जनरल, BC, EBC, उसके बाद जो है इतना कैटेगरी का जो है EWS, ये सब को जो है 1080 लगेगा। और SC और ST का आपको जो है कितना का लगेगा, SC ST को शायद 700 के आसपास का डिमांड ड्राफ्ट लगता है। तो आप लोग देख लीजिएगा डिमांड ड्राफ्ट में खुद लिखा रहेगा। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तथा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।